ये जो बिल्ली के कहते हैं स्पाइक्स होते हैं, इसको गौर से देखो आपको स्पाइक्स तक नज़र आएंगे। ये देखो, ये नज़र आए स्पाइक्स जी, ये वो कैट के स्पाइक्स होते हैं जो ये स्पाइक्स हैं और ये इनवर्ड होते हैं, इनकी डायरेक्शन अंदर की तरह, मतलब ये कि जैसे ये पुल पुश करेगा ओके, जैसे पुल आउट करेगा अच्छा इस जब रगड़ होगी और बिल्ली की चीखें निकलेंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। सो दिस इज अ पोजीशन। अब हमने ये जैसे कैथेटर इंसर्ट करना है तो हम उसको ऐसे पकड़ के इस पे हम थोड़ी सी लिग्नोकेन लगा लेंगे तो जस्ट नम द पेन, कैथेटर अंदर रहेगा पेन होगी। इससे वो जो ऑब्स्टिकल है ना वो भी निकल, ऑब्स्टिकल्स भी एक थोड़ा सा लुब्रिकेंट का काम करेगी, प्लस है कि ये हमारे पास जैसे जैसे लगती जाएगी अंदर पेन जो होगी वो नम करती जाएगी, एरिया नम करती जाएगी तो लोकल एनेस्थेटिक का काम कर रही है अपन। अभी आता है कैथेटर, हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक स्टीलेट वाले आते हैं, एक विदाउट स्टीलेट आते हैं। स्टीलेट में भी फिर आगे ओपन एंड क्लोज एंड दो होते हैं, ये ओपन एंड विदाउट स्टीलेट है, इसको इंसर्ट करना सबसे मुश्किल है। दूसरा इंसर्ट करना तो ये इजी टास्क नहीं है, जो है हमने उससे काम चलाना है। देखो अंदर चला गया, यूरिन खुद ही बाहर आने लग जाएगा। ठीक है ना, अब इसको यहाँ पे हाथ रखोगे, इस पे हम देते हैं स्टे सुचर सिर्फ तो पड़ा पे सिर्फ पर पड़ा है। पेनिट्रेशन हमारे लिए इजी होगी, बाकी है कि यहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं है स्पेशल। एक तो छोड़ो थोड़ा सा आराम से, अभी ये एरिया है हमारे पास स्किन का, ठीक है ठीक। ये हम इधर से इसमें से निकालेंगे, कैथेटर के ऊपर जो होल है उसी में से निकालेंगे। एग्जैक्टली नीडल साइज बढ़ाएंगे मेरे ख्याल में, लेकिन गुजर जाएगा इंशाल्लाह। ओह देखो देखो देखो, उसको हाथ रखो, ठीक है इंसर्ट ही रहने देना, ठीक है ये रहा। दो काफ़ी है लेकिन ये लीक करेगा, जैसे ये होश में आएगा ये चाटना शुरू करेगा, चाटेगा तो ये उखाड़ मारेगा सारी चीज़ें। उधर उस साइड पे अच्छा पूछ पर जितना करीब से स्किन को थोड़ी सी इसकी टांग सीधी करते हो।